अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। बिलाल भाई कैसे हैं? अभी हम आप ही के इलाके की बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी खिंचाव शुरू किया हुआ है। देख लीजिए, आपके हाथ में बाहर आया हुआ है। सही बात है जी, सही बात है। अच्छा जी, दो बात बैठे हैं तो ये पूछना ये चाह रहे थे जी जी, आजकल जिस आम किस्तों का कारोबार हो रहा है मुख्तलिफ कवायद और जवाबत की बिना पर, जी जी, किसी ने क्या बनाया है लेकिन काम एक ही हो रहा है। काम की नौयत एक है, बाकी शरायत अपनी मर्जी के मुताबिक है। क्या वो जायज है आज ये जो तरीकेकार है? चले मेन जुमला तो मैं जवाब अर्ज करता हूँ, तो मौलाना इसे नाजायज और हराम कहते हैं, बाकी तफसीली जो दलायल हैं वो मौलाना फरमाएंगे। नहीं, बिलाल का तो मौका नहीं। बिलाल मैं बीमार हूँ, सही है, बहुत मुश्किल से जवाब दे रहा हूँ। ये बै तकसीर जिसको कहते हैं अरबी जबान में आजकल किस्तों की बै, ये बिल्कुल हराम है। सूद पर एक नया लेबल लगा दिया लोगों ने, है खालिस सूद, कोई शुबार इसमें, और नकद और उधार की कीमत में फर्क भी सूद ही, नया रंग दे दिया। मौलाना फरमाते हैं कि जो बंदा किसी से 10-20 हजार रुपए उधार मांगता है तो जाहिर है कि अपनी बेटी के लिए या घर के लिए फ्रिज खरीदेगा या फर्नीचर खरीदेगा या मोटर बाइक खरीदेगा। तो बिलाल भाई लाइन पे ही है ना आप? जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। तो मौलाना फरमाते हैं कि बंदे को अगर पैसे दे दिए तो उस पर बढ़ोतरी लेने को हम सूद कहते हैं, लेकिन अगर बंदे की जरूरत के मुताबिक उसको चीज लेके दे दी तो 10-12 कैसे ले सकते हैं? हराम, बिल्कुल हराम। अगर आपसे पैसे उधार लेता है तो उससे भी कोई ना कोई चीज उसने अपने घर की खरीदनी है ना? जी 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 जी। तो अगर आपने चीज खरीद के दे दी तो वो जायज होगी और पैसे दिए तो वो नाजायज हो गया। मौलाना यही फरमाते हैं लॉजिकली बात, जरा बराबर बेन में कोई फर्क नहीं। खारिज सूद है, 100 का 105 ले, 100 की चीज है उसके 105 आप वसूल कर रहे हैं, वही बात है, कोई जौहरी फर्क नहीं है इसमें। अक्सर उलमा कहते हैं कि जब जिन्स तब्दील हो जाए तो वो सूद नहीं बनता। नहीं, यहाँ जिन्स की तो बात ही नहीं, जिन्स तब्दील जो हो ना, गंदम के आप गाड़ी ले ली, फ्रिज ले ली, एसी ले लिया, टेलीविजन ले, ये वो चीजें नहीं, जो जो है ना रिबी अजनास है वो तो अलग है ना, कि आप गंदम के जौ ले रहे हैं या आप सोने के चांदी ले रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि जिन्स तब्दील हो जाए कमी बेची हो सकती है, वो भी नकद हो नकद उसी वक्त हाथों हाथ लेना देना पड़ेगा, यदन बेयदन। अगर जिन्स एक ही है, नाम एक ही बोला जाता है, क्वालिटी में फर्क है, सोना आला है दूसरा सोना घटिया, वो आप कमी बेची भी नहीं कर सकते, नकद ही लेना पड़ेगा। और बराबर अगर आप कोई सौदा मंजूर नहीं तो आप अपना सोना जाकर किसी और जगह बेचें, पैसे लेकर आए नया सौदा करके जितना आता ले लें। अगर चीज का चीज से तबादला किया जाए तो फिर यही है कि अगर वो एक ही जिन्स है तो उसमें कमी बेशी हराम है और नकद नकद होगा। अगर जिन्स तब्दील हो जाए तो कमी बेशी हो सकती है, मगर लेना नकद नकद ही पड़ेगा ना, मगर ये वो बात नहीं, बार्टर सिस्टम नहीं, ये तो सूद ही है कि 100 देकर 105 ले, महीना बाद तो सब कहते हैं सूद। अगर कहता कि चीज 100 की है इस वक्त, मगर उस वक्त इसके 105 लूंगा, कोई बताया इससे क्या फर्क पड़ा? सूद है खालस, कोई जायज नहीं। शुक्रिया जी, मेहरबानी, अल्लाह मेहरबानी फरमाए जी, बारकल्लाह।